हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चालकों को परस्पर जोड़ देने पर उनके बीच स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कि अगर हम दो चालक हैं, उनके आवेश Q1 Q2 है, उनकी धारा C1 C2 है, विभव V1 V2 है, और अगर हम उन्हें एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो पतले तार से जोड़ देने पर एक पर से आवेश दूसरे पे कितना स्थानांतरित हो जाता है उसकी गणना है। इससे पहले हमने निकाला था कि अगर हम जोड़ देते हैं तो इनका कॉमन विभव यानी उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमको ये निकालना है इसी हेडिंग के अंतर्गत कि अगर हम इनको जोड़ते हैं तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी पहले चालक से यानी जिस चालक का विभव अधिक है उस चालक से कितना आवेश दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इससे पहले हम लिख चुके हैं तो इसी में जो पुरानी हेडिंग है उसी के अंदर इस हेडिंग को डाल देंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। उसमें लिखें यदि चालकों को परस्पर जोड़ देने पर पहले चालक का आवेश Q1 डैश तथा दूसरे चालक का आवेश Q2 डैश हो जाता है तो अब देखें तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा तो पहले आवेश था Q1, हम जोड़ दिए इससे कुछ आवेश इस पे चला गया तो अब इसका आवेश हो गया Q1 डैश। तो अब इसमें कितना आवेश बचा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आवेश का था Q1 और अब हो गया Q1 डैश, तो हम Q1 में से Q1 डैश को घटा देंगे। तो यहां पर हमारा आ जाएगा डेल्टा Q यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 इक्वल टू पहले ही जानते हैं Q1 इक्वल टू क्या है, C1 V1 और Q1 डैश। अब इसकी जगह हम लिखेंगे इसकी धारिता तो क्या है C1, लेकिन अब इसका विभव V1 की वजह क्या हो गया है V, तो C1 इंटू V। V का मान हम पहले निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर पे उभयनिष्ठ विभव, तो V1 के स्थान पर हम लिख दिए C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब इसका इधर उत्तर ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया C1 स्क्वायर V1, फिर इसका इसमें करेंगे C1 V2 V1, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो C1 स्क्वायर V1, इसको इसमें करेंगे C1 C2 V2, ये कैंसिल हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, यह बचेगा C1 C2 V1 V2। अब यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद अब इसमें C1 C2 दोनों जगहों पर कॉमन है, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, C1 C2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा V1 माइनस यहाँ बचेगा V2। ये हमारा आ गया डेल्टा क्यू यानी उभयनिष्ठ विभव स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी जब हम दो चालक को आपस में जोड़ देते हैं तो स्थानांतरित आवेश कितना रह जाता है इसकी गणना यहाँ से कर लेते हैं। अब हमको इसमें निकालना है ऊर्जा ह्रास, ठीक, एनर्जी लॉस कितनी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है जब आप चार्ज इसको जोड़ते हैं, यानी आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है तो इसमें एनर्जी कितनी लॉस होती है, हमको इसकी गणना करें। तो अगले हेडिंग हम डालेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है। तो लिखें पहले इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, जब किन्हीं दो चालकों को परस्पर किसी पतले तार द्वारा जोड़ा जाता है तो पहले चालक
पहले चालक कोष्ठक में उच्च विभव वाले से आवेश दूसरे चालक में स्थानांतरित होता है, जिस कारण ऊर्जा में ह्रास हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे तो इसको जोड़ने से पहले इसकी ऊर्जा पहले चालक की ऊर्जा U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये जब इसको हमने जोड़ा नहीं था उस समय इसकी ये ऊर्जा होगी C1 V1। दूसरे चालक की ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हम जब चालक को समझोड़े नहीं थे, अब अगर हम चालक को पहले जोड़ देते हैं तो अब इसकी कुल ऊर्जा, तो संयुक्त चालक चालकों को जोड़ देने पर संयुक्त चालक की कुल ऊर्जा ऊर्जा यू डैश इक्वल टू, अब यहां से देखें इसकी कुल ऊर्जा तथा इसकी कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 इंटू इसका विभव कितना है V, यानी क्या हो जाएगा V स्क्वायर। अब यहां से देखें तो ऊर्जा ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास अगर हम निकालेंगे तो पहले इसकी कुल ऊर्जा कितनी है U, और अब इसकी कुल ऊर्जा कितनी है U डैश। तो हम पहले में से अब घटा दे तो इसको लिखेंगे U माइनस U डैश, यानी डेल्टा U बराबर U की वैल्यू अगर हम रखें हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब इसका मान रखेंगे U डैश का, तो हाफ C1 प्लस C2 वी स्क्वायर। अब इसको हम कैसे रफ कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखें तो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V। V का स्थान पर हम मान रखें V कॉमा उभयनिष्ठ विभव, इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा एक C1 V1 का स्क्वायर, के ऊपर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस
अब यहां से देखें, एक बेटे तो पूरे कॉमन कर ले, वन बाई टू कॉमन कर ले, वन बाई टू ये कॉमन कर लेंगे, यहां से हमारा बचेगा सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस सी वन वी वन प्लस इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, ये आपका हो जाएगा सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर प्लस टू सी वन वी वन इंटू सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। इसका एलसीएम लेंगे, इसका यह फिर से गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बटा दो इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करें सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर, अब सी टू का इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका यहां हो जाएगा सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें प्लस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर माइनस, अब यहां से माइनस का मल्टीप्लीकेशन पूरे हो जाएगा माइनस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन माइनस टू सी वन वी वन सी टू वी टू बटे सी वन प्लस सी टू। तो अब यहां से देखें तो सी वन वी वन स्क्वायर यहां पर भी है, सी वन वी वन ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सी टू बी टू स्क्वायर यहां पर भी है, सी टू बी टू स्क्वायर यहां पर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अगर सी एस क्या बचेगा तो हमारा डेल्टा यू यानी ऊर्जा ह्रास। तो अब यहां से देखें वन बाय टू यहां बचा हमारा सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर माइनस टू सी वन वी वन सी टू वी टू बटे सी वन प्लस सी टू सी वन सी टू सी वन सी टू सी वन सी टू सब स्थान पर इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लें वन बाई टू सी वन सी टू कॉमन हो गया, बचेगा क्या वी टू का स्क्वायर प्लस वी वन का स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू बटे सी वन प्लस सी टू। अब इसको हम ए वन एस बी के फॉर्मूले से इसको ले सकते हैं, चूंकि वी वन हमारा ज्यादा था इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा यू बराबर वन बाई टू सी वन सी टू क्योंकि वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर बटे सी वन प्लस सी टू, ये हमारा हो गया ऊर्जा ह्रास। तो आज की क्लास यही था, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।